सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, फाइटर मूवी का टीजर आने के बाद फाइटर मूवी का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अभी दोस्तों फाइटर मूवी ने दो बिग अचीवमेंट हासिल कर ली है। पहला दोस्तों, फाइटर मूवी का टीजर के पहले उसका बिग कुमार शो का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, कोई लोग उसे देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। और दूसरी दोस्तों, यहां पर IMDB की तरफ से मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की लिस्ट आ चुकी है, उसमें फाइटर मूवी ने बहुत ही बड़ा जंप मारा है। चलिए आपको दोनों चीज एक एक करके डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दें, टीजर आने के पहले जो बुक माई शो का फाइटर मूवी का इंटरेस्ट था वो मात्र 8 से 9 हजार था, लेकिन जैसे ही उसका टीजर आता है और सभी लोग बुक माई शो में जाकर उसके टीजर को वॉच करते हैं और वहां पर इंटरेस्ट पर लाइक करते हैं, जिस वजह से फाइटर मूवी के जो इंटरेस्ट है वो दोस्तों बुक माई शो में 20K यानी कि 20 हजार को क्रॉस कर जाते हैं। वहीं अगर दोस्तों हम दूसरी बिग अचीवमेंट की बात करें तो जो IMDB की साइड है वहां पर उन्होंने मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की लिस्ट को अपडेट किया है, जहां पर पहले फाइटर मूवी 8वें या 9वें नंबर पर आ रही थी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में, वहीं सिर्फ टीजर आने के बाद ही फाइटर मूवी को तीसरा स्पॉट मिल चुका है। अगर हम आपको थर्ड नंबर तक की लिस्ट बता दें तो पहले नंबर पर सलार मूवी है जिसको 41.7% रेटिंग मिली हुई है। दूसरे नंबर पर डंकी मूवी आती है जिसको 25.9% रेटिंग मिली हुई है। और तीसरे नंबर पर ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी आती है जिसको 10.9% रेटिंग मिली हुई है। अब दोस्तों सलार और डंकी इसलिए पहले और दूसरे नंबर पर हैं क्योंकि उन मूवीज को आने में सिर्फ 10 दिन का समय बाकी है, लेकिन फाइटर मूवी को आने में अभी 1.5 महीने का समय बाकी है और वो 8वें 9वें नंबर पर थी, लेकिन टीजर आने के बाद वो मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। अब आप बताइए कि आप सिद्धार्थ आनंद के कितने बड़े फैन हैं, आप ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की मूवी फाइटर का कितना वेट कर रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।